हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जो आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो आपको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज आपके लिए। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि उनका क्या संदेश है आपके लिए। सबसे पहले जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो है सन कार्ड। शुरू में ही इतना अच्छा कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। आगे देखते हैं, दी हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। एक कार्ड और लेते हैं व्यूअर्स। I need one card. So I have to take one. Spirits, please guide us. Beautiful. Ten of Cups. सारे ही कार्ड बहुत अच्छे हैं, कोई भी कार्ड ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है। ओके, तो वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे, जैसे आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनके लिए उनका सब कुछ हो। इस तरह की बातें भावुक होकर आपसे कहना चाहते हैं। उनको अपना फ्यूचर आपके साथ ब्राइट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ। क्योंकि ये सन का कार्ड जो होता है ना व्यूअर्स, ये पूरे टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, सबसे अच्छा कार्ड होता है। और ये कार्ड आ गया तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ही सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब से आप इनके दुनिया में आए हो, यानी जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। जैसे इनकी किस्मत एक जगह पर रुकी हुई थी, या इनका समय एक जगह पर थमा हुआ था, या फिर ये कहीं पर स्टक थे, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में खुशी आई है। एक तरह से इनकी लाइफ में जो भी स्टकनेस थी, या एक तरह का सेम सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही थी, उनकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा था, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था, वो स्टक भी हो गए थे और बहुत नेगेटिव भी हो गए थे अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, आपने उनकी लाइफ में उजाला कर दिया है, रोशनी कर दी है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में बल्ब जला दिया हो या दीपक रख दिया हो, इस तरह से आपने इनकी लाइफ में रोशनी कर दी है। साथ ही साथ आप जब से आए हो, इनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं आई हैं, गुड लक भी आया है आपके साथ। तो जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनके साथ अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुशी की खबर मिलती है, ग्रोथ होती है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ एक ट्रैक पर आ गई है और ये ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, कहना चाहते हैं यू आर माय लक और यू आर माय लकी चार्म। तो वो आपको अपना लकी चार्म बता रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। साथ ही साथ वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत के लिए या उनके हिसाब से आप उनके लिए इतने लकी हो, साबित हुए हो, वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके लिए गुड लक लेकर आए हो। साथ ही साथ व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही अपने आप को सेटिस्फाइड देखते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि भविष्य में अगर वो अपने आप को मैरिड लाइफ में या फ्यूचर में कहीं भी किसी भी लाइफ के स्टेज में अगर अपने आप को खुश और सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ ही देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता भी है कि भविष्य में अगर वो खुश रहेंगे, रह पाएंगे, तो वो सिर्फ आपके साथ। तो वो अपनी लाइफ का सेटिस्फैक्शन, अपनी लाइफ का फुलफिलमेंट आपको ही मानते हैं।
और आपसे ही कहना चाहते हैं दैट यू आर माई सेटिस्फैक्शन, यू आर माई फुलफिलमेंट, यू आर माई होम। क्योंकि मैंने कहा भी यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और यहाँ पर सन का भी कार्ड है। ये दोनों जो कार्ड हैं, जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन है, ये साफ साफ दिखाता है कि ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि ये भविष्य में आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, ऐसा लगता है जैसे मैसेज है यहाँ पर, आई एम ड्रीमिंग अबाउट अ फ्यूचर विद यू, मैं सपने देख रहा हूँ आपके साथ भविष्य के। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ हैप्पी फैमिली विद यू, और आई वॉन्ट यू टू बी माई फैमिली मेम्बर। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ चैनल हो रहे हैं कि जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ, एक अच्छा खुशहाल परिवार आपके साथ बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, या वो आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको अपने परिवार का मेंबर समझता हूँ या समझती हूँ, मैं आपको अपना परिवार ही मानता हूँ, यू आर लाइक माई फैमिली, यू आर माई फैमिली। ओके, या मैं आपको अपना फैमिली मेंबर बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पूरी तरह से ओपन है व्हेन इट कम्स टू मैरिज। कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही इतने ओपन है कि उन्हें शादी करनी है तो आपसे करनी है, उन्हें शादी करके खुशियां चाहिए तो वो आपके साथ चाहिए। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, वो आपके साथ इस तरह का भविष्य भी इमेजिन कर रहे हैं जहां आप लोग खुश हैं, आपके बच्चे हैं, यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। ओके, तो वो आपके साथ ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, यस, और वो आपको अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं या आपके साथ एक नया परिवार बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, या तो वो ये भी बोल रहे हैं यू आर लाइक माई फैमिली। यहाँ पर भी वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट करेंटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, मैं हर पल हर दम बस आपके बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, हर पल मेरा दिल दिमाग सिर्फ आप में ही खोया रहता है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, समवेयर ऐसा लगता है कि वो किसी डिसीजन पर, किसी कंक्लूजन पर पहुँचना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं और उस बारे में भी बहुत सोचते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें हम तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। यहाँ पर व्यूअर्स वो ऐसा भी कहना चाह रहे हैं शायद कि जैसे आपने उनके दिल पर कब्जा कर लिया है जैसे आपने पोजेशन ले लिया है उनके दिल का, जैसे किसी घर का मकान का पोजेशन लेते हैं, आपने उनके दिल का पोजेशन ले लिया है, अब आप ही हो उनके दिल में। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में ही सोचते हैं, कुछ दूसरा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी बातों को भी वो आपसे ही जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो उनका बहुत सारा समय आपके बारे में सोचने में बीत जाता है। यहाँ पर वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि उनकी जो पार्टनर को लेकर जो हर इंसान की जो खोज होती है कि ये मेरा ट्रू पार्टनर होना चाहिए, ये मेरा आइडियल पार्टनर होना चाहिए, मेरा परफेक्ट मैच होना चाहिए, तो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट यू आर माय आइडियल टाइप, यू आर माय परफेक्ट मैच। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप ही उनके आइडियल टाइप हो, आप ही उनके परफेक्ट मैच हो, क्योंकि आपको ही देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए आपसे या आपके साथ ही उन्हें खुशियाँ मिलेंगी और किसी के साथ उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है मुझे समवेयर आपसे मिलने से पहले उनकी लाइफ स्टक भी थी और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे या किसी सफरिंग से गुजर रहे थे, हेल्थ इशू था या फैमिली इशू था, कोई पास्ट कोई रिलेशनशिप उनका ऐसा था जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहा था, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे या कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बिट्रे किया गया था या उनको चीटिंग उनके साथ हुई थी, धोखा मिला था। यह हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस ओवरऑल इतना अच्छा नहीं रहा। ओके, उनका विश्वास प्यार पर से कम हो गया था या वो बहुत चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और उनकी लाइफ भी स्टक हो गई थी। यस, काफ़ी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आ गई थी। हो सकता है उनके अंदर भी कुछ एडिक्शंस या कुछ नेगेटिव हैबिट्स आ गई हों, तो वो काफ़ी अग्रेसिव फ्रस्ट्रेटेड और बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ रह रहे थे आपके मिलने से पहले या आपके साथ एक कनेक्शन बनने से पहले। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं कहीं ना कहीं उनको करेज मिला है, मोटिवेशन मिला है आपसे, उनको मतलब एक हीलिंग मिली है जो कि आपने पर्पसली नहीं की। आपने उन्हें बिठा के कोई उनसे उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पूछे कि आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अब, या आपने कहीं उनको पूछ कर उनको बुला कर उनकी हीलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी आपसे इंटरेक्ट करके आपके साथ कनेक्शन में आके आपके साथ टच में आके धीरे धीरे उनकी हीलिंग हुई है। वो उस फ्रस्ट्रेटेड
फेज ऑफ लाइफ से या उस फ्रस्ट्रेशन से, उस नेगेटिविटी से, उस डिप्रेशन से बाहर आए हैं आपकी वजह से। यस, ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बहुत स्ट्रेंथ, बहुत मोटिवेशन, बहुत सपोर्ट मिला है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वो सपोर्ट मांगा हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सामने से आके उनको सपोर्ट किया हो कि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब ये नेचुरली हुआ है क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डेस्टाइंड है। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट यू आर माई मोटिवेशन, यू आर माई सपोर्ट सिस्टम। तो आपसे ही उनको सपोर्ट मिलता है, आपसे ही उनको मोटिवेशन मिलता है, आपसे ही उन्हें वो हीलिंग मिली है। ओके, तो वो आपको भी कहना चाहते हैं दैट यू हैव हील्ड मी, आपने ही मुझे हील किया है। जैसे देखिए ना, इस अग्रेसिव लायन को कैसे ये एंजल हैंडल कर रही है। ये शेर यहाँ पर लाल है, लाल से ही दिखता है कितना अग्रेसिव है, और ऊपर से ये एक लायन है तो हम इसका नेचर जानते हैं। लेकिन इस एंजल को देखिए कैसे ये इस लायन को हील कर रही है, ट्रीट कर रही है। ओके, और ये शांति से यहाँ पर खड़ा हुआ है, विच मीन्स कि इसको वो हीलिंग मिल रही है, वो स्ट्रेंथ मिल रही है जिसकी कमी थी, वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या वो स्थिरता, वो पॉजिटिविटी मिल रही है। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपसे उन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिली है, आपसे उनकी बहुत हीलिंग हुई है, जाने अनजाने ही सही। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि आपने जिस तरह से उन्हें एक्सेप्ट किया है, उन्हें बाकी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके इस फेज ऑफ लाइफ में या इस स्टेज में लाइफ के बहुत लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके पास्ट की वजह से, उनके डिप्रेशन या नेगेटिविटी की वजह से, या नेगेटिव हैबिट्स की वजह से, नेगेटिव ट्रेट्स की वजह से काफ़ी लोगों ने उनको ऐसा लगता है जैसे जज किया, या कहीं ना कहीं उनको निगलेक्ट किया। हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की लोगों ने इनसे, लेकिन फिर भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनको एक्सेप्ट किया द वे दे आर, वो जैसे हैं आपने उन्हें वैसे ही अपनाया। इस बात के लिए वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं और आपको अपनी लाइफ में एक एंजल की तरह मानते हैं, दैट यू आर लाइक एन एंजल फॉर देम। आप एक फरिश्ते की तरह उनकी लाइफ में आए हो और वो जैसे हैं आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है और बिना कुछ एक्स्ट्रा किए उनको हील भी किया है। और ये बात उन्हें इन द प्रोसेस पता नहीं चली कि वो हील हो रहे हैं, कि क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनको रियलाइजेशन हुआ है कि सब कुछ बहुत बदला है। उनके अंदर काफ़ी उम्मीद, काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, काफ़ी हील हो चुके हैं, काफ़ी खुश हैं अब वो। अब उन्होंने सारा क्रेडिट आपको देने का फैसला किया है। तो यहाँ पर भी वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपने उनको एक तरह से रिचार्ज कर दिया है, या कहीं ना कहीं उनको एक न्यू पर्पस दे दिया है, या न्यू लाइफ दे दी है, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। समवेयर ये भी दिखता है कि जैसे ये इंसान आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहता है, और साथ ही साथ ये रहा किंग ऑफ कप्स का कार्ड, साथ ही साथ ये आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहता है। यस, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, दिस पर्सन इज मैडली इन लव विद यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहा है, करता है, करती हैं, और इनका प्यार बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त जो है वो बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है, बहुत ट्रू है। तो साथ ही साथ व्यूअर्स से आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स आपको कन्फेस करके कहना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। तो वो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स आपको कन्फेस करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार हुआ है। तो हम देखेंगे कि प्रपोजल में शायद ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या प्यार में क्या कन्फेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस में क्या कन्फेस करना चाहते हैं। हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे व्यूअर्स यहाँ पे, लेट्स सी कि ये आपको क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर सभी साइंस इंक्लूडेड हैं, तो साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितना रोमांटिक मैसेज है, देखिए, आई सॉ योर फेस इन द मून, तो ऐसा लगता है जैसे वो कभी चांद को देख रहे हैं तो उसमें भी आपका ही चेहरा इमेजिन करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं आई सॉ योर फेस इन द मून, मैंने आपका चेहरा चांद में देखा। तो ये भी हो रहा है यहाँ पे, एंड ओह माय गॉड, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है आई एम शाय, हेजिटेशन फील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बहुत शाय फील करते हैं। ओके,
मैंने कहा ना, मैंने आपसे कहा ही था कि आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू, एंड हियर वी हैव द मैसेज ऑफ आई लव यू। तो ये इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स, और आपसे सच में यही संदेश आपको भेजना चाहते हैं या मैसेज आपको देना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, आइए हम और मैसेजेस भी देखते हैं। देखिए ये मैसेज भी मैंने आपको दिया था, अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि डार्क कार्ड है यहाँ, पता नहीं इतना विजिबल है कि नहीं, पर मैसेज है आई सी माई फ्यूचर विद यू, मैं अपना भविष्य आपके साथ देखता हूँ। और यही मैसेज मैंने आपको चैनल भी किया था, कैसा लग रहा है, वो कह रहे हैं दैट आई एम ड्रीमिंग अबाउट अ फ्यूचर विद यू, या वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और यही कार्ड यहाँ पर आया है आई सी माई फ्यूचर विद यू। तो वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। ओके, सो हियर वी हैव या प्लीज़ वेट फॉर मी। तो अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप मेरा इंतज़ार करना, इंतज़ार करना, किसी और को मत चुन लेना, या किसी और को सिलेक्ट मत कर लेना, किसी और को अपनी लाइफ में जगह मत दे देना, अपने दिल में मत जगह देना किसी को, मेरा इंतज़ार करना। तो उनकी तरफ से प्रपोज़ल आएगा, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। ओके, माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, ब्यूटिफुल। व्यूअर्स को आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, या जो दिन उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो उनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन रहे हैं। जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो उनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल रहे हैं। तो ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने जितना भी, जैसा भी और जिस भी तरह आपके साथ समय बिताया है, चाहे फ़ोन पर बात की है, या मिले हैं आपसे, या जो भी किया है, जैसा भी एक्सचेंज रहा है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, या उनकी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल डेज हैं। तो उनके लिए वो मोमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं, और वो उन मोमेंट्स को अभी भी चेरिश करते हैं। या आइए एक मैसेज और देखते हैं। जस्ट वन मोर मैसेज, सी लुक एट दिस, यू आर इन माई माइंड ऑलवेज। तो वो आपसे कहना चाहते हैं आप हमेशा मेरे मन में, दिमाग में हैं, आप हमेशा इनके दिमाग में हैं, यानी हमेशा ही आपके बारे में सोचते हैं। और ये मैसेज मैंने आपको यहाँ चैनल भी किया था कि ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, हमेशा इनके दिल दिमाग में आप ही हो। और ये मैसेज भी यहाँ आ गया, यू आर इन माई माइंड ऑलवेज। तो लिटरली जो मैसेजेस मैंने यहाँ पर टैरो कार्ड्स को देखकर आपको चैनल किए थे, जो भी यहाँ एनर्जी थी वो मैंने आपको चैनल की थी, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में वही मैसेजेस आ चुके हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ ये रीडिंग जो है एक्यूरेटली रेजोनेट करेगी। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कितने परसेंट ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं हमारी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।